हेलो दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं बैटरी के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग अगर आपका बैटरी भी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रहा है जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है तो आप इस सेटिंग से अपने बैटरी को कुछ हद तक रोक सकते हो ड्रेन होने से आपका बैटरी जो हमेशा जल्दी ड्रेन हो जाता है ये सेटिंग करने के बाद आपका जो बैटरी है वो पहले से कम ड्रेन होगा तो आइए जानते तो आइए जानते हैं कौन से वो सेटिंग जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो नॉलेज गुरु जी तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे सब पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा सभी के फ़ोन में जितने भी फ़ोन हैं जितने भी डिवाइस हैं जितने भी कंपनी के डिवाइस है उसमें सभी के फ़ोन में डिस्प्ले का ऑप्शन जरूर दिया रहता है इस पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है दोस्तों आपको इसी में डिस्प्ले के अंदर में ही कुछ सेटिंग्स को जो है ऑन एंड ऑफ करना है उसके बाद आपका जो बैटरी है वो पहले से काफ़ी अच्छा चलने लगेगा तो आइए जानते हैं कौन से वो सेटिंग तो डिस्प्ले में जाने के बाद दोस्तों आपको पहले ही नंबर पर दो ऑप्शन दिख जाते हैं जहां पर लिखा रहता है लाइट एंड डार्क ठीक है दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका फोन जो है अभी लाइट में है या फिर डार्क में तो आप हमेशा अपने फ़ोन को डार्क मोड पे ही यूज करें दोस्तों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो ज़्यादा अगर लाइट रहेगा ज़्यादा हाई पे रहेगा तो आपका जो फ़ोन का बैटरी वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा ज़्यादा लाइट ऑन रहेगा इसके लिए आप हमेशा डार्क मोड ऑन करें डार्क मोड में आपका जो डार्क मोड में जो आपका डिस्प्ले का जो लाइट होता है वो कम यूज़ होता है इसके लिए हमेशा डार्क मोड ही यूज़ करें आपका बैटरी जो है वो कम कंज्यूम ओके दोस्तों बहुत से लोगों को है जो डार्क मोड पसंद नहीं है तो दोस्तों इसके लिए आपको डार्क मोड का सेटिंग्स भी दिया रहता है सभी के फ़ोन में सेटिंग्स होते हैं तो आप इसमें कस्टम शेड्यूल सेट कर सकते हो ठीक है इसमें क्या ऑप्शन आता है सेट में स्टार्ट एंड एंड लिखा रहता है तो स्टार्ट में अगर आप मान लीजिए मैंने सात और पी एम डाल दिया मतलब सात बज के जीरो जीरो मिनट और पी एम मतलब सात बजे रात में ये मेरा हमेशा ऑटोमेटिकली डार्क मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा और ख़त्म कभी होगा अगले दिन सुबह सात बजे मतलब ये रात भर जितना भी मेरा फ़ोन है वो डार्क मोड पे ही चलेगा वो नॉर्मल मोड पर नहीं रहेगा ठीक है थीके? इसके लिए आप कस्टम शेड्यूल भी कर सकते हो आप इसमें अपने हिसाब से जो भी मन करे वो टाइम यहाँ पे डाल सकते हो ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको बैक चले जाना है बैक जाने के बाद सेकंड ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस का तो दोस्तों हमेशा ये ऑटो ब्राइटनेस पर सेट रहता लेकिन आपको ऑटो पे सेट नहीं करना है ठीक है क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऑटो पे सेव करोगे तो आपका जो ब्राइटनेस है वो स्क्रीन जो है वो हमेशा ब्राइट होगा लो होगा ब्राइट होगा लो होगा तो जिससे आपका जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा इसके वजह से आप अपने हिसाब से मैनुअली ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर लेना ठीक है दोस्तों आप अपने हिसाब से भी ये एडजस्ट कर सकते हो ओके और एक सेटिंग और है दोस्तों इसमें स्क्रीन इस मोड इस पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है इसमें वीवी डॉट नेचुर का एक ऑप्शन मिलता है तो आपको हमेशा नेचुरल पे क्लिक करके छोड़ देना है जी, आपका थोड़ा जो स्क्रीन है वो डिम हो जाएगा लेकिन आपका जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक कंज्यूम होना कम हो जाएगा ठीक है दोस्तों आपको इस पर नेचुरल पे क्लिक करके बैक कर देना है ओके आते हैं नीचे दोस्तों टाइम आउट का एक ऑप्शन रहता इस पे है इस पर बहुत लोग जो हैं वो लास्ट तक टाइम आउट या फिर नो स्क्रीन ऑफ पे क्लिक करके छोड़ देते हैं तो हमेशा क्या होता है जब आप फ़ोन कहीं साइड में रख दे तो आप भूल जाते हो फ़ोन को अपना ऑफ करना लॉक करना तो फ़ोन जो है वो अपने टाइम पर ही ऑफ होता है जैसे मैंने अभी 10 मिनट पे सेट किया मैं कहीं फ़ोन पे रख फ़ोन रख दिया हूँ ये 10 मिनट बाद ही मेरा फ़ोन जो है लॉक होगा 10 मिनट तक मेरा जो स्क्रीन है वो ऑन रहेगा और बैटरी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा इसके लिए आप हमेशा लो पर ही सेट करके छोड़ दें मैं तीस सेकेंड पर या फिर एक मिनट पर आप सेट करके छोड़ दीजिए ठीक है वापस जाते हैं बैक आपको एक और सेटिंग करना है दोस्तों आपके बैटरी के लिए जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है वो है स्क्रीन सेवर ये सभी फ़ोनों में रहता है आपको हमेशा नॉन पे क्लिक करके छोड़ देना दोस्तों इससे क्या होता है कि अगर आप कलर या फिर फोटो फ्रेम या फिर फोटो टेबलेट कुछ भी मतलब आप अपने फोटो अगर इस पर लगा के छोड़ दोगे तो इस अब आप चार्जिंग पे फ़ोन लगाओगे तो भी आपका जो फ़ोन का वॉलपेपर है वो शो करता रहेगा आपका स्क्रीन ऑफ ही नहीं होगा इसके वजह से ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है तो आप इसको ऑफ ही कर देंगे तो बेटर रहेगा ओके फिर चलते हैं वापस बैक एक लास्ट सेटिंग और दोस्तों जिसको करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपना नोटिफिकेशन पैनल पे जाओगे यहाँ पे पोर्ट्रेट मूड का एक ऑप्शन मिलता है इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ ठीक है इससे क्या होता है जब आपका स्क्रीन है ना वो हमेशा रोटेट करता है मतलब कभी सीधा होगा कभी चौड़ा हो जाएगा तो आप इसको हमेशा ऑफ करके रखें क्योंकि आपका जब भी स्क्रीन रोटेट होगा तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है इसके लिए आप इसको ऑफ करके रखें जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप मैनुअली इसको ऑन कर सकते हो इसके लिए आप ऑफ करके ही रखें तो बेटर रहे तो दोस्तों ये था कुछ हिडिंग सेटिंग बैटरी के लिए जो आपके फ़ोन के लिए काफ़ी ज़रूरी था तो दोस्तों अगर आप इस इस सेटिंग्स को ऑन करने के बाद जो आपका बैटरी कंज्यूम ज़्यादा होता था पहले वो आप कम होने लगेगा तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद दोस्तों